हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछते रहते हैं कि हमारे नाम से कितना ज़मीन है या हमारे पापा या बाबा दादा के नाम से कितना ज़मीन है, हम जो है अपने मोबाइल से कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं सारी व्यक्तियों के प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप जो है अपना या अपने बाबा या दादा के नाम से कितना ज़मीन है आप जो है अपने मोबाइल से ही पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बार की वीडियो में मैं चाहता हूँ कम से कम 1000 लाइक मिले। तो इस लाइक के टारगेट को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है और लाइक के बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिस पे टच करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक और गूगल प्लस पे जो है यहाँ से शेयर कर देना है। ये सब करने के बाद दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो यहाँ पे रेड बटन है, इस पे टच करके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे घंटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टच करके इस घंटी को भी दबा देना। इससे होगा क्या कि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे चला जाना है और ऐड ए पब्लिक कमेंट का ऑप्शन है जिस पे टच करके आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, नाइस वीडियो, गुड वीडियो या भूल एक वीडियो, ठीक है। इस तरह से जो है आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप जो है अपना या अपने दादा बाबा के नाम से कितना ज़मीन है उसको कैसे पता लगाइएगा। तो ये सब करने के लिए दोस्तों हमें अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन करना होगा और जब गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो आपको जो है इस गूगल सर्च में लिखना होगा भूलेख, ठीक है। इस तरह से अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको जो है बिहार का नाम लिखना होगा और अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको जो है यूपी का नाम लिखना होगा। तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का जो है यहाँ पे नाम लिखकर सर्च करना है। जब भूलेख बिहार लिखकर आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से बहुत सारा खुलेगा। तो यहाँ पे भूलेख बिहार के नाम से बहुत सारा वेबसाइट है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर टच करना है। जब उस पर टच कीजिएगा तो इस वेबसाइट का जो है अगला ऑप्शन इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी जिला है आप जो है उस जिला के ऊपर टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक जिला के ऊपर टच करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सीतामढ़ी जिला है तो इस जिला के ऊपर जो है हम टच कर दिए। जब उस जिला के ऊपर टच कीजिएगा तो आपके सामने उस डिस्ट्रिक्ट का प्रखंड खुलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी प्रखंड है सारा प्रखंड खुल चुका है। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रखंड चूज कर सकते हैं, जो भी प्रखंड है उस प्रखंड के ऊपर आपको टच करना है। तो यहाँ पे हम एक प्रखंड के ऊपर जो है टच कर दिए। जब आप उस प्रखंड के ऊपर टच कीजिएगा तो आपके सामने जो है उस प्रखंड का एक नया ऑप्शन खुलेगा, ये देखिए। उस प्रखंड के अंदर का जो है हमारे सामने एक नया ऑप्शन खुल रहा है, ये देखिए, हमारे सामने इस वेबसाइट का नया इंटरफेस खुल गया। तो यहाँ पे जो है आपको जो है अपना गांव चूज करना है। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए, जैसे कि आपका गांव का पहला शब्द र से शुरू होता है तो यहाँ पे र वाला ऑप्शन पे टच करना होगा। जैसे ही आप इस र वाला ऑप्शन पे या क वाला या ख वाला ऑप्शन पे टच कीजिएगा तो उस लेटर से जो भी गांव का नाम शुरू होता होगा सारा का सारा जो है गांव का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम र दबाए हैं तो र वाला देख सकते हैं, र वाला पूरा गाँव यहाँ पे आ गया है। तो आप जिस गाँव में रहते हैं उस गाँव पे जो है टच करना होगा। तो यहाँ पे हम एक गाँव चूज कर लिए, ठीक है, उस पर पीला कलर का जो है परत चढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास अगर खाता नंबर या खेसरा नंबर है तो आप ये दोनों डालकर यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मौजा के समस्त खातों के नामानुसार देखे तो इसी पर हम टिक जो है रहने देते हैं, उसके बाद खाता खोजों पे टच कर देते हैं। जब खाता खोजे पे टच कीजिएगा तो उस गांव के अंदर जितना भी व्यक्ति के नाम से जमीन होगा सारा जमीन और सारा नाम जो है हमारे सामने पूरा लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया नीचे, ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं उस गाँव में जितने भी व्यक्ति के नाम से जितना जमीन है सारा जमीन का जो है नाम यहाँ पे आ गया है कि किसके नाम से कितना जमीन है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति के नाम से कितना जमीन है, सारा जमीन का जो है यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बगल में एक देखे का ऑप्शन आता है तो आपको देखे वाला ऑप्शन पे टच करना होगा। जब आप देखे वाला ऑप्शन पे टच कीजिएगा तो आपके सामने उस व्यक्ति के नाम से कितना जमीन है सारा जमीन जो है यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए इसके नाम से जो है कितना जमीन है, यहाँ पे देख सकते हैं रैयत का नाम दिया गया है, यहाँ पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में किसका जमीन है वो भी दिया गया है, किस्म जमीन कितना है, हेक्टेयर डिसमिल हेक्टेयर क्या है देख सकते हैं, दखल क्या है और उस रसीद का जो लगान है कटाया है नहीं कटाया आप वो भी देख सकते हैं, कितना रुपया कटाया हुआ है और उसका खाताधारी का संख्या क्या है, सारा कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जिस व्यक्ति के नाम से जितना भी जमीन होगा सारा जमीन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी और राज्य का देखना चाहते हैं तो आप जो है नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप जो है किस राज्य का देखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम एक नया वीडियो जल्द लेकर आएंगे जिससे जो है आप
अपने दादा या बाबा के नाम से कितना जमीन है पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।